भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हुए दुर्ग के सुराना कॉलेज वार्ड में पार्षद नजहत की पहल से 125 शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अनमोरा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हुए वार्ड 40 सुराना कॉलेज वार्ड के निवासरत 125 शिक्षकों का सम्मान सुराना कॉलेज के सभागार में पूर्व विधायक अनमोरा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। दुर्ग जिला शिक्षण समिति के अध्यक्ष प्रवीण तिवारी ने एवं सुराना महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती पूजा मल्होत्रा व पूर्व प्राचार्य किरण तिवारी, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद एवं वार्ड नंबर 40 की पार्षद नजहत परवीन के विशेष अतिथि में संपन्न हुआ। श्रीमती संहिता के रूपी जी अगर उपस्थित है जी, आप श्रीमती नजहत की सम्मानित पार्षद वार्ड क्रमांक 40 सुराना वार्ड सम्मान दे रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अरुण वोरा ने कहा कि बीते 10 वर्षों से पार्षद नजहत परवीन के द्वारा वार्ड के निवासरत शिक्षकों का सम्मान किया जाना बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि शिक्षक सदैव पूजनीय हैं और शिक्षकों का सम्मान करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मानव जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम शिक्षित होंगे तो हम अच्छे समाज का, अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे और देश के विकास में सहभागी बनेंगे। देश की आज़ादी में शिक्षकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रवीण तिवारी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, इतने सारे शिक्षकों का सम्मान करने का अवसर मुझे मिल रहा है। जहाँ शिक्षक होंगे वहाँ शिक्षा होगी और जहाँ शिक्षा होगी वहाँ विकास होगा, अच्छी सोच होगी जो हमें आगे बढ़ाएगी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर पूजा मल्होत्रा अल्ताफ अहमद ने भी संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन अनीस रजा ने आभार प्रदर्शन पार्षद नजहत परवीन ने किया। एक दूसरे को जाने पहचाने और सब हम इसी तरह से मिलते रहे। बहुत सी हमारे शिक्षिका लोग हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद भी बहुत मुश्किलों से इस सीढ़ी पे चढ़ के यहाँ तक आती है, तो उनका भी मैं बहुत सम्मान करती हूँ और बहुत बहुत आभार है जो इस स्थिति में होते हुए भी ऊपर चढ़। कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने खुशी बयां की और कार्यक्रम के समापन पर सभी एक साथ फोटो सेशन कर फिल्मी धुन को गुनगुनाते नजर आए। इस मौके पर आए अतिथियों ने प्रतिक्रिया दी। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं। राष्ट्र के नव निर्माण में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज वार्ड क्रमांक 40 सुराना कॉलेज वार्ड में लगभग 125 शिक्षकों का सम्मान हम सब लोगों ने किया और उन्होंने जिन शिक्षकों का सम्मान किया उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे आदर्श दिए, अच्छे संस्कार दिए, जिसके कारण वे बच्चे आज ऊंचाइयों के शिखर पर है। शिक्षकों का सम्मान सदैव होता रहा है। उपराष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षा और शिक्षक की वजह से ही देश ने आज जो तरक्की की है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हमारे शिक्षण समिति के अध्यक्ष प्रवीण तिवारी जी, अल्ताफ अहमद जी और यहाँ की पार्षद महोदया, जिन्होंने संयुक्त रूप से मिलकर शिक्षकों का सम्मान आयोजन किया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 25 शिक्षकों का सम्मान किए हमारे वार्ड में शिक्षक। हर साल हम लोग शिक्षक दिवस का सम्मान समारोह का कार्यक्रम मनाते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे वार्ड में इतने शिक्षक हैं और हम उनका सम्मान करते हैं और इनके द्वारा हमें बहुत ही प्यार मिलता है और एक दूसरे का हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे वार्ड वालों के दिल में हम लोगों के लिए बहुत ही भाव है, प्यार है, उसका ये नतीजा मिलता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे वार्ड नंबर 40 में लगभग 125 शिक्षकगण निवास करते हैं और बड़े हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे वार्ड में इतने शिक्षक निवास करते हैं, तो हम शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने शिक्षकगणों का सम्मान करते हैं और जिस वार्ड में इतने शिक्षक हो तो निश्चित ही उस वार्ड में शिक्षा बहुत होगी और शिक्षा जहाँ शिक्षा होगी
वहाँ के लोग जागरूक होंगे और देश के प्रति शिक्षकों शिक्षक तो हमेशा पूजनीय होता है ना। तो हम अपने शिक्षकों का सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि देश के विकास में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है और हम शिक्षकों को कभी भुला नहीं सकते। जैसा शिक्षक का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते और इसलिए हम लोग अपने वार्ड के शिक्षकों का सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और शिक्षक दिवस के रूप में राधा कृष्ण सर्वपल्ली राधा कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्गसेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।